much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई साहब वापस से तुम लोग का स्वागत है लेजेंड आरसीएस में। तो चलो यार, सबसे पहले यार हम कल यार हम हील्ड नहीं करवाए थे यार अपना पोकेमॉन्स को, तो सबसे पहले यार हील्ड करवा लेते हैं। उसके बाद भाई देखो, आज हम लोग एकदम बेकार लोग के जैसा नहीं खेलेंगे, आज हम लोग खेलेंगे भाई प्रो प्लेयर जैसा। तो सबसे पहला चीज़ भाई हम लोग को करना है कि हम लोग को जाना है भाई HMO6 यानी कि रॉक स्मैश लेने के लिए। तो उसके लिए भाई हम लोग को आगे बैटल होगा, तो बैटल करेंगे और देखेंगे कि भाई, और हम एक चीज़ और कि भाई बचते हुए जाएंगे, फालतू का बैटल नहीं करना है, क्योंकि हमको ये वाला गेम भाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और भाई मेरा मन है कि यार हम आज 5 एपिसोड अपलोड करें, क्या हम कर सकते हैं भाई? होगा तो भाई हम कोशिश करेंगे आज के आज 5 एपिसोड इसका अपलोड करने का। तो चाहेंगे यार कि तुम लोग सपोर्ट करो इसमें थोड़ा। तो भाई सबसे पहला बैटल अपना जो कि एक ब्लैक बेल्ट वाला से हो रहा है, मचोक। ठीक है यार, तो सर्फ करते हैं। ठीक है यार, उतना डैमेज नहीं पड़ा। चलो यार छोड़ो जो रहे यार, पोकेमॉन चेंज करो, गुडरा यहाँ पे सही रहा, क्योंकि ओ सबमिशन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुपर इफेक्टिव है तो क्या हो गया, साइकिक है ना, साइकिक सही रहेगा इसके ऊपर। चलो भाई ये तो गया मचोक। अब भाई चलो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये भाई एम्बर स्पा, ये भाई लावा का जो है ना, नीचे जो लावा बहता है ना उसी का पानी की वजह से ये जो कैस को कहा जाता है गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग। हाँ हॉट स्प्रिंग। भाई साहब यहाँ पोकेमॉन अपना फुल्ली हील्ड भी हो गया, और क्या रिफ्रेशिंग है यार ये जगह, इट्स जस्ट हेवन मैन, इट्स जस्ट रिलैक्सिंग प्लेस। और भाई ये डड्डू जी हम लोग को भाई देंगे, ये डड्डू जी भाई हम लोग को HMO6 यानी कि रॉक स्मैश दे दिए, जो कि सही चीज़ है। भाई यहाँ से बाहर निकलते हैं, और देखो बाहर निकल के यार तुम लोग को लग रहा हो गेम प्ले थोड़ा सा फास्ट, तो हाँ भाई थोड़ा फास्ट खेल रहे हम लोग। और सबसे पहले यार आइसलैंड टू पे चलेंगे, और देखते हैं आइसलैंड टू पे। भाई देखो कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि गेम्स कॉर्नर में हम लोग को जाना है, और नीचे भाई यहाँ आइटम रहता है तो आइटम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, रिवाइव, चलो काम ही का चीज़ है। और अरे नहीं, हाँ नहीं, अभी हम लोग नर्स चूहे के पास नहीं जाएंगे। अरे भाई ये थोड़ी है गेम्स कॉर्नर। ओ भाई ये भाई परेशान है, सी इज़ ऑलवेज बींग लंच, यानी कि वो लंच में कहाँ गई है। माई फ्रेंड, मेरी बेटी मिसिंग है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और भाई उसका नेम, प्लीज़ हेल्प मी, वो आइलैंड ट्रिप हो। ओ मैन ये क्या है, वो अच्छा याद आ गया, ये बाइकर से जो हम लोग को धमकी देता है कि भाई आइलैंड ट्रिप पे मत आना, क्योंकि अब भाई वहाँ पे हम लोग का कब्जा है, वहाँ आओगे तो भाई लाट घूसा खाओगे और जाओगे, जो ये सब का कहनाम है बाइकर्स का। लेकिन चलो यार हम लोग बाइकर्स को धूल चटा देंगे, लेकिन सबसे पहले यार इन अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी देखो, मेहमान नवाजी करो, थोड़ा रोकड़ा दो, तो हम आपका बेटी को रूट ट्री माने कि आइलैंड ट्री से ले आएंगे। चलो ठीक है, हम लोग कह तो दिए अंकल जी को कि भाई उनकी बेटी को बचा के ले आएंगे, लेकिन ले आना है हम लोग को, लेकिन ऊपर भी हम लोग को चलना है। और भाई एक बिडू शायद मेरे पास है, एकदम कैच नहीं करेंगे इसको, यहाँ से जल्दी से चलते इसके अंदर। और भाई ये हम लोग को कोई मूव सिखाती है, अल्टीमेट मूव ये कहा जाता है, जबकि हम पिछले बार जब हिशुई रेड खेले ना तब हम सीखे थे भाई। तो ये करिए, टोरोस तो नहीं सीख सकता ठीक है, लेकिन मेरे पास अम्बाकू है, तो सोच रहा अम्बाकू जरूर सीख सकता होगा, क्योंकि पिछले बार यार हम सिखाए हैं अम्बाकू को। हाँ भाई ये सीख सकता है, वो क्या है टाइपलोशन, हाँ टाइपलोशन सीख सकता है ये मूव, अल्टीमेट मूव भाई क्या है, ब्लास्ट बर्न। ओ भाई ये कैसा मूव है भाई, देखा जाए हम लोग को, क्योंकि भाई हम भाई देखो अभी हम सिखा रहे, क्योंकि हमको भाई ये मूव यूज़ करना है जब हम लोग चैंपियंस बैटल करेंगे ना, यानी कि एलीट फोर से, तब ब्लास्ट बर्न भाई 90 की एक्यूरेसी, 150 का पावर, फ्लेम थ्रोअर को हटा के हम लोग सिखा सकते हैं। चलो यार रिक्स लेते हैं भाई, रिक्स लेते हैं, गेम खेल रहे तो भाई रिक्स लेने का। चलो यार ब्लास्ट बर्न तो हम लोग सीख लिए, अब भाई चलेंगे सीधा सीधी भाई जो बात है रूट ट्री पे। ओ सॉरी भाई यार आदत हो गया रूट बोलने का, आइलैंड ट्री पे।
चलो यार आ गए आइलैंड थ्री पे। यहाँ पे हम लोग एक बार चलते हैं भाई। ये यहाँ पे जो है ना फ्लैट या ज़मीन किन रहा है, सीधा सीधी बात है भाई। तो ठीक है भाई, रिचेस्ट मैन तुम बन जाओगे यार। हम भी यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए भाई आए हैं। चलो देखते हैं जो रहे। और भाई ये रहा बाइकर्स का गैंग, तुम लोग हमको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ करो बच्चों। ओह मैन, एक मिनट भाई एक मिनट, तुम बच्चे को क्या तंग कर रहे हो? हिम्मत है तो भाई मेरे से लड़ो ना, हिम्मत है तो भाई डब्ल्यू सी स्टार्क रियल मैन दी रियल स्टार्क से भाई लड़ के देखो, तब ना पता चलेगा हु इन दी वाटर, यानी कौन है पानी में। चलो यार देखा जाए, ये लोग को भाई हराना है, क्योंकि भाई ये कावर्ड्स नॉर्मल लोग को भाई जुलुम धार है, लेकिन ये लोग को नहीं पता आई एम दी चैम्पियन, आई एम दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई एम दी मैन हु डिफीटेड ऑल। चलो यार ये सब से भाई एक एक का बैटल करेंगे, कोफिंग है। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। भाई पोकेमोन चेंज करो, और टोलोस नहीं, कीड़ा नहीं, गुडरा, गुडरा सही रहेगा भाई, गुडरा सही है। गुडरा के पास भाई साइकिक है, और इस कोफिंग पॉइजन टाइप भी ना होता है, इसलिए चल भाई सही है। इसका कोफिंग तो गया, अब भाई बारी है इसका सारा, तीनों लोग को हरा दिया, बारी है बॉस बैटल का, यानी कि बॉस के साथ बैटल करने का। चलो यार देख लिया जाए भाई बॉस का ताकत क्या है। चल भाई चल, देखा कौन कौन सा तेरे पास पोकेमोन है भाई। इसके पास भी, ओह भाई ये गलाडियन अवेजिंग है, हाँ गलाडियन अवेजिंग, इसके ऊपर भाई ब्लास्ट बर्ड, वो काम नहीं किया, मिस हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाकी टाइम अटैक किया है सही से, तो इस बार भी हम करेंगे। ओ हो भाई ओपी पावर है भाई इसका, ब्लास्ट बर्ड का, इसका सेकंड वन, वो यानी कि अपना मच्छर। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भाई ड्रैगन ब्रेथ फेंट अटैक, कोई बात नहीं भाई, हम लोग को उतना डैमेज नहीं पड़ेगा। ड्रैगन ब्रेथ, ओ हो क्या डैमेज दिया भाई, एक और बार यार, ये एक और बार में भाई हार जाएगा। स्पीड माने कि एक्सट्रीम स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चल जैसा कहे थे भाई, इसको बॉस को तुम लोग हरा दिए, काफ़ी आसानी से हरा दिए, लेकिन देखा जाए तो और काफ़ी जल्दी भी हरा दिए, हमको लग रहा है ऐसा, क्योंकि भाई देखो नर्स जो ऐसे हील्ड इसलिए करवा रहे, क्योंकि भाई मेरा जो ब्लास्ट बर्न अटैक है ना वो पाँच ही का है सिर्फ, माने कि पीपी उसका पाँच ही है, तो भाई दो से तीन बार में हमको यार नर्स जो है के पास आना पड़ेगा। चलो यार लेकिन चलते हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल रहे हैं, हम लोग को भाई यहाँ आइलैंड में ना कुछ कुछ आइटम रहता है जो कि हम लोग भाई ले सकते हैं। चलो यार तुम लोग को दिखा देते हैं, यहाँ से जिंक मिला, और भाई यहाँ जो है ना यहाँ से भी हम लोग को आइटम मिलेगा। चलो देखते हैं, एक मिनट, लगता है कुछ ज़्यादा ही आ गया, यहाँ यहीं है। चलो सही है, पीपी अप जैसा बताया थे तुम लोग को। चलो यार देखा जाए भाई, इसका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भाई, एक मिनट, हम लोग को ऊपर चलना चाहिए, यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से पेड़ काट के हम लोग जा सकते हैं। स्टारली जो कि चाहिए नहीं भाई, चलो यार छोड़ो जो रहे, हम लोग भाई पता है हम जो तेज़ी से चला रहे ना इसकी वजह से ना मेरा हाथ इधर उधर हो जा रहा है। और रोजेलिया, रोजेलिया है भाई अपने पास, कोई जरूरत नहीं है हमको उसका, मैक्स रिपेल चलो काम का चीज़ है। और भाई यहाँ अपना सेकंड बैटल दिखाने के लिए कर रहे, लेकिन हुआ तो भाई अपना पाँचवा छठा बैटल है रॉलेट, कोई दिक्कत नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भाई इसके ऊपर फ्लाई करते भाई, फ्लाई सिखाए और कर नहीं रहे, अम्बाकू का भाई फ्लाई। चलो यार इसका फ्लाई भाई ठीक ठाक डैमेज दिया, अच्छा खासा डैमेज दिया। अरे भाई हमको यार रिपेल यूज़ करना चाहिए था, रिपेल भाई रिपेल यूज़ कर ही लेना चाहिए। चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग अभी यहाँ चल रहे हैं ना, क्या इसको कहा जाता है बेरी फॉरेस्ट में, हाँ यहाँ पे भाई हम लोग रिपेल यूज़ करेंगे। चलो यार, अरे भाई रिपेल यूज़ करना है भाई, लेकिन पोकेमोन एनकाउंटर मत हो, कर रहे भाई कर रहे रिपेल यूज़, अरे भाई हाँ नीचे नीचे, हाँ ये रहा।
चल भाई, 4 रिपेल है लेकिन हो जाना चाहिए अपना काम इतना ही के अंदर में। यहाँ पे भाई कट करो ट्री को, यहाँ भी एक भाई, ये सबको ट्री बोला जाता है कि जो भी बोला जाता होगा यार, याद नहीं अभी। यहाँ से उधर एक पोकेबॉल छूट गया हमसे, बाद में ले लेंगे। चलो ऊपर में सर, यहाँ से नहीं, यहाँ तो रास्ता बंद है, एक पोकेबॉल मिला सर यहाँ से, चलो जो रहे। हाँ यही रास्ता, यही रास्ता है। चल भाई सही है, यहाँ से भाई अब भाई बारी है इस बच्ची को बचाने का। चलो भाई अब बच्ची को बचाते हैं जल्दी से। और भाई ये करी कोई स्कैरी सॉन्ग सुन लो तुम, जो कि यहाँ आ रहा है, मुझे मेरे डैडी के पास ले चलो। भाई डैडी के पास ले चलेंगे, लेकिन भाई ये जो हिप्नो है ना भाई, इसके आपको कैच करने का मन है, इसके ऊपर भाई अटैक नहीं करेंगे, पोकी बॉल फेंक के यार देखेंगे। सबसे पहला चीज तो यार रेड बॉल भाई, बस कैच हो जाना चाहिए यार। अरे भाई बाहर आ गया, कोई बात नहीं, वन मोर टाइम। इस बार अल्ट्रा बॉल फेंके क्या, देख लेते हैं भाई। अल्ट्रा बॉल फेंको या नहीं तो टोरोस को ले आते हैं, क्योंकि टोरोस और इसका लेवल सेम है। टोरोस 39 का, लेकिन भाई इसके फाइटिंग टाइप वो है तो सर्वाइव कर सकता है हिप्नो में भी। डबल किक करना सही रहेगा, क्योंकि भाई इसके ऊपर पोकेबॉल फेंकने से, बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चलो जो रहे, सबसे पहला चीज तो यार डबल किक, सही जा रहा है भाई, एकदम सही जा रहा है। चलो यार अब, ओ यार पॉइजन कास्ट कर दिया, डैम मेरा टोस पॉइजन हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी सबसे पहला चीज यार हम लोग को इसके ऊपर भाई पोकी बॉल फेंकेंगे, क्योंकि भाई इतना डैमेज दिया तो पोकी बॉल में तो आ ही सकता है। हाँ चलो, एक हिप्नो भाई, एक हिप्नो, हिप्नोसिस। चलो भाई इसको तो कैच कर लिए, अब भाई बच्ची को उसका डैडी के पास लेके चलते हैं। चलो भाई बच्ची अपने डैडी के पास। चलो भाई इसको आदत हो गया रूट बोलने का। गेम्स कॉर्नर यानी कि आइसलैंड 2 पे ले आए भाई, जल्दी से मेरा मीटियोराइट दे दो भाई, क्योंकि हमको सीलियो को वापस करना है ना। हाँ सीलियो को मून स्टोन भी दे रहा है, चलो सही है। चलो बच्ची अगला बार तो बच जाना। हम लोग यार पहले तो हील्ड करवाएंगे। चलो भाई सही है, यहाँ पे हील्ड नर्ज वैसे हील्ड करवा लिया। और देखो याद आ गया हमको कि भाई मेरे पास फ्लाई है, उस टाइम हम यूज़ किए थे, तो क्यों ना हम लोग फ्लाई करके ही चल जाए, क्योंकि भाई अपने अपने पोकेमॉन से, माने कि अपने पोकेमॉन से हम हील्ड करवाए हैं, माने कि नर्ज चॉइस है यहाँ यहाँ आइलैंड पे, तो ईजी रहेगा मेरे लिए। चलो भाई ओ सीलियो, माने कि ये बिल इंतजार कर रहा था मेरा कि भाई जल्दी से लेके आओ, चलो चलते घर। चलिए यार सही है, इसको तो भाई इसका मीटियोराइट वापस कर दिए मे बी, हाँ कर दिए। सॉरी यार अब हम लोग को जाना पड़ेगा। चल सही है, आ गए भाई अपना सिनेबार आइलैंड है ना, ये ट्रायल पास भी दे दिया, कह रहा है कि वर्ल्ड मिलियन सिटी से हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। हम लोग अभी भाई रिपेल अभी जाके ख़त्म हुआ, चलो सही है। लेकिन हम दो पोकेमॉन को अंदर डालेंगे अभी, हम लोग को बता रहे हैं, क्योंकि पहले तो कीड़ा और फिर सेकंड वन टोरोस। अभी इसको पीसी में रख रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग अभी चलेंगे जो फॉसिल रीजनरेट करता है ना उसके पास, वो भाई हम लोग का पोकेमॉन को ये करेगा। यही है भाई, यही बंदा भाई हम लोग को, हम लोग का फॉसिल को रीजनरेट करेगा। ओल्ड एम्बर को पहले रीजनरेट करवा देते हैं, कर बाहर से आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जाते हैं, अब अंदर चलते हैं, हो गया। अब भाई इससे अपना फॉसिल मांग लेते हैं, क्या वो ठीक हो गया? हाँ हो गया, चलो अच्छा है, एरोडैक्टिल तो मिल गया। अब भाई इसको दूसरा वाला अपना दें, माने कि फॉसिल, हाँ हीलियक्स। चलो भाई हीलियक्स भी दे दिए, कह रहा है जाओ बाहर जाके आओ फिर से। तो भाई चलते हम लोग बाहर, एक मिनट, फिर से बाहर गए, फिर से अंदर आए। और भाई अपना ये सेकंड वन वाला फॉसिल भी यार हो गया, अपना सेलेडॉन भी आ गया। एक बार पोकेमॉन चेक कर यार, एरोडैक्टिल 5, सेलेडॉन 5, सही है भाई। इसके ऊपर नंबर भी है दोनों के ऊपर,
चलो एकदम सही है। चल भाई दोनों फॉसल आ गया, अब भाई हम लोग चलते हैं सीधा इस सबको पीछे में रख देने के लिए, क्योंकि अभी तो इस सब का हमको यूज़ है नहीं। अब भाई चलेंगे सीधा घर, बहुत लंबा टाइम हो गया मॉम से नहीं मिले हैं और प्रोफेसर ओक से भी, तो घर चलते हैं यार। ओ यार एक बैटल, चलो कोई बात नहीं कर ही लेंगे हम लोग बैटल, इतना तो निर्दयी नहीं है कि नहीं करेंगे। एक स्टारियो है इसके पास और इजी है मेरे लिए जितना, तो हम तो शैडो बॉल करेंगे। बेचारा स्टारियो शैडो बॉल में ही पड़ गया। चल भाई, अरे यार अब, अरे भाई ये तो बेकार का आ जा रहा है, इसको हम कैच कर लिए। अब पता है इसको ही टीम में यूज़ कर सकते, इसका हम देखेंगे नंबर है तो यार इसको हम इवॉल्व करेंगे रेयर कैंडी से, और होगा तो यार इसको हम यूज़ कर सकते टीम में, क्योंकि हम देखना चाहते हैं भाई इसकी पावर क्या है, कि वाटर प्लस पॉइजन है ना ये। चलो जो रहे, लेकिन सबसे पहले तो यार प्रोफेसर ओक भाई, प्रोफेसर देखिए मैंने कितने सारे पोकेमॉन्स पकड़े हैं, 115 देखे, 70 कैच किए उसमें से। कह रहे भाई कोई फिशिंग गुरु से तुमने कलेक्ट नहीं किया कोई आइटम, तो भाई जहाँ तक हम देख रहे हैं भाई मेरे पास ओल्ड रॉड है, गुड रॉड है, हाँ शायद एक सुपर रॉड भी तो होता है ना, वो शायद नहीं लिए, तो देख लेंगे वो किधर मिलता है, वो वाला जहाँ मिलेगा वहाँ से उठा लेंगे उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन सबसे पहला चीज़ तो भाई अभी तो घर आ गए और भाई मॉम से यार मिल भी ली और हीलिंग करवा ली उनसे, और विरिडियन सिटी में भाई अपना गेम को स्टॉप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भाई आज का एपिसोड बताओ यार तुम लोग को कैसा लगा, कहाँ तक अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो यार लाइक से सब्सक्राइब कर लो।